बाली 18 लोगों के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया, छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप। 18 लोगों में से 3 वकीलों पर भी मामला दर्ज कराया गया है। उपखंड के बाली शहर में संचालित वी आर कंसल्टेंसी के संस्थापक डॉक्टर विनोद रांगी ने आज मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि का मामला पेश करवाया। उपखंड के बाली शहर में संचालित वीआर कंसल्टेंसी के संस्था प्रधान डॉक्टर विनोद रांगी ने आज मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि का मामला पेश करवाया, जिसमें संजय कुमार, बीजापुर रतन बोनीवाल, अलवर महेंद्र कुमार बामनिया, सायला जितेंद्र कुमार मेघवाल, आहौर दौलत कुमार, बेदाना भगवान राम, जालौर मंडलावा महेंद्र माधव सोमेसर, मोतीलाल डांगी, फलना मांगीलाल पादरला, कैलाश पारंगी, बंसलपुर श्रवण कुमार फालना, लक्ष्मण भाटी बेड़ा, मुकुल सोलंकी धनी, कनपाल सरेल बरवा, विक्रम कुमार कुमटिया, कुलदीप कुमार नाड़ा, चैतन्य कुमार अमलिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डॉक्टर विनोद रांगी का कहना है कि संजय कुमार सहित कुल 18 लोगों पर मानहानि का मामला दर्ज करवाया जा रहा है, क्योंकि 24 नवंबर 2023 को वीआर कंसल्टेंसी के खिलाफ 18 लोगों ने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया था, साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। फर्जी और झूठे आरोप लगाकर संस्था की छवि को बिगाड़ने का लगातार प्रयास किया गया, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी संस्थान की छवि बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। सामाजिक स्तर पर लोगों को गुमराह किया गया व संस्था के विरुद्ध मैं नारेबाजी भी की गई, लेकिन सभी 18 लोगों द्वारा जो भी आरोप वीआर कंसल्टेंसी पर लगाए, सभी आरोप बेबुनियाद निकले। वे न्यायालय के द्वारा वीआर कंसल्टेंसी पर किसी प्रकार का कोई आरोप साबित नहीं किया गया, जिस पर आज न्यायालय में 18 लोगों के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया। वंदे भारत से मोहसिन खान की रिपोर्ट।